प्रयाग में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हुंकार रैली की गई। इस रैली में राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मांग पर कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन को देश भर में गति देने की बात कही। नगर में आयोजित रैली के बाद भी सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह रावत ने कहा कि आने वाला समय केंद्र सरकार के लिए निर्णायक समय है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है। उत्तराखंड में कार्मिक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलनरत हैं। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। इस रैली के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कार्मिक लगातार आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए कि कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली कर देनी चाहिए। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, तो उत्तराखंड राज्य भी एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की निश्चित रूप से अनेक विषमताएं हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है इससे जान जाए और हमारी पेंशन को बहाल करे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी 24 में होने जा रहे हैं, और हम कर्मचारी इस रैली के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि हम कर्मचारी जो है अगर एक हो जाए हम सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल में हुआ है और अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से हम इस उत्तराखंड में भी इसको करने में सक्षम हैं और बहुत जल्द करेंगे। इसलिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं।